हमारी डिमांड अहिर रेजिमेंट को लेके है, जो कि ये डिमांड काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। इस डिमांड को चले हुए 50 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से, कुछ ऐसे कारणों से जो आज तक ये नहीं बन पाई है, ये अपने सिरे नहीं चढ़ पाई है। तो इसका हम ऐसे पूरे देश भर में इसकी एक चिंगारी सी लगी है, अभी एक कुछ क्षेत्र में चिंगारी लगी है, इसको फैलने में पूरे देश में फैलेगी और अहिर रेजिमेंट बन के रहेगी। जहाँ तक अहिर रेजिमेंट बनाने की बात हो रही है, पॉलिटिक्स में काफ़ी लोग आपके हिस्सेदारी हैं, अभी तक क्यों नहीं आवाज़ उठी? देखिए, आवाज़ मैं आपको बार बार पहले भी बता चुका हूँ, आवाज़ें तो काफ़ी 50 साल पहले से उठती आ रही है, और बीच में हमारी रेजिमेंट बन भी जानी थी, पास हो गया था, लेकिन वो कुछ समझौते के कारण, कुछ पॉलिटिक्स के कारण वो अपने सिरे नहीं चढ़ सकी। और वो आज तक भी हम वही चीज़ कर रहे हैं कि हम इतने, हमारा पूरा इतिहास रहा है, हमने देश के लिए इस माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारी कास्ट ने, जब सबकी रेजिमेंटें हैं तो हमारी क्यों नहीं? और जब एक जाति की, किसी एक विशेष जाति की 6-6, 7-7 रेजिमेंटें हो सकती है, तो हम तो सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, हम तो एक रेजिमेंट मांग रहे हैं अपने नाम की। हम तो शहादत देने के लिए एक रेजिमेंट मांग रहे हैं। हम उन शहीदों का सम्मान मांग रहे हैं जो शहादत तो देते हैं। अब यादव शहादत तो देता है, लेकिन नाम उसका कभी नहीं होता, नाम उसका होता है जिसकी रेजिमेंट होती है। इसके बाद आपकी बात ना मानी गई तो आपको क्या और भी प्रोटेस्ट? देखिए, मैं हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं सरकार को चेताना चाहूँगा कि ये आंदोलन उग्र होने में समय नहीं लगेगा इस आंदोलन को। और मैं सरकार से बार बार यही अपील करूँगा कि हम एक जायज़ मांग मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, हम उन शहीदों के लिए सम्मान मांग रहे हैं, तो इसको देना चाहिए। और नहीं दिया तो ये तो एक छोटी सी झाकी अभी लोग यहाँ दिखी है जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, और पूरे देश भर में अगर ये अभी तो चिंगारी है और आग लग गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा लोगों को।